मैं विनय दुबे मुंबई से। आज का जो वीडियो है वो शायद ही भारतीय जनता पार्टी को पसंद ना आए, क्योंकि आज मैं जो खुलासे करने जा रहा हूं वो इतने भयंकर हैं कि शायद कोई भी भारतीय ये सोच नहीं सकता कि किस तरह से ये जो मोदी सरकार है वो जनता को मदद के नाम पे इमोशनल करके पैसे वसूल करती है चंदा के नाम पे, और उस चंदों का आखिर होता क्या है ये आज तक किसी को नहीं पता चलता है। आज के वीडियो में मैं आपको वो सबूत दूंगा कि किस तरह से हजारों करोड़ों रुपए का चंदा जो सरकार लेती है आखिर वो पैसा जाता कहां है। मैं आपको आज वो दिखाने जा रहा हूं जो शायद ही आज तक आप लोगों के सामने ये ना आया होगा। मैं निवेदन करता हूं कि आप ये सारी वीडियो पूरा देखें और इस वीडियो को हर भारतीय तक शेयर जरूर करें। मेरा एक फर्ज है एक भारतीय नागरिक होने के नाते कि भारत सरकार के अंदर जो जो चीजें चल रही हैं, जो एक्टिविटीज हैं, उसकी जानकारी आप तक मैं पहुंचाऊं। सबसे बड़ा सवाल, अगर आप इस मोदी सरकार से सवाल पूछते हैं या तो आपको जेल में डाल दिया जाता है। अगर ये भारत है, यहां पे एक से एक व्यक्ति पड़े हुए हैं जो किसी भी हद तक जाके अपनी आवाज बुलंद करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पीएम केयर्स फंड को लेके महाराष्ट्र के नागपुर बेंच ने एक आदेश जारी किया है जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी जी को आदेशित किया है कि आप 14 दिन के अंदर अंदर पीएम केयर्स फंड में कितने पैसे आए हैं और उसकी व्यवस्था किस जगह इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी जानकारी आपको देना पड़ेगा। वीडियो देखिए कि किस तरह से महाराष्ट्र के शासन द्वारा, महाराष्ट्र बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा नागपुर बेंच ने क्या आदेश किया है, इसको आप जानकारी देखें। और उसके बाद मैं आता हूं उस सबूत पे जहां पे आपको ये देख के आश्चर्यचकित होगा कि कैसे मोदी सरकार जमा किया हुआ पैसा खा जाती है। हजारों करोड़ों लोगों ने करोड़ों रुपए हमारे शहीदों के लिए भेजे, लेकिन आखिर में ये पैसे गए कहां? मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पूरा का पूरा पैसा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खा लिया। शहीदों को एक फूटी कौड़ी तक नहीं पहुंची है, ये मैं इस चीज दावे से कह सकता हूं, क्योंकि आज मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूं कि जिस सैनिकों के नाम पे, जिस सैनिकों की शहादत के नाम पे ये नरेंद्र मोदी जी जनता से वोट मांग के जीते हैं, सत्ता में आए हैं, उन्हीं शहीदों की परिवार को आज उन्होंने दयनीय मरने जैसी स्थिति में छोड़ दिया है। आपके जेब से एक रुपया नहीं जाता था मोदी जी, देश की जनता ने दिल खोल के इन परिवारों के लिए अरबों रुपए की मदद की, लेकिन आपकी सरकार ने वो पैसे तक, शहीदों के पैसे तक खा गए। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं आप सभी को। ये वीडियो उन शहीदों के परिवार के हैं, उनकी विधवाओं के हैं, उनके बच्चों के हैं, वो खुद कबूल कर रहे हैं कि किस तरह से एक रुपए की भी मदद मोदी जी ने नहीं की है, और वो जो पूरा पैसा चंदा के नाम पे आया था वो पूरा का पूरा खा लिया गया है इस सरकार के लिए। ये वीडियो देखिएगा जरा, उनके परिवारों की शहादत, इन शहीद परिवारों की अपने मुंह से कबूली हुई ये स्टेटमेंट्स हैं, ये वीडियो हैं। शहीदों के नाम पे मांगे गए पैसे तो कम से कम छोड़ देते सरकार। ये शहीदों की बेवाएं हैं, विधवाएं हैं, जो आज खून के आंसू हो रही हैं। और कौन सा आपके जेब से पैसा जाता था? पूरे देश ने दिल खोल के अपने शहीदों के परिवारों के लिए चंदा भेजा, पैसे भेजे, लेकिन वो पैसे आज तक, पुलवामा हमला के 1.5 साल होने आया, आज तक वो पैसे उन परिवारों तक नहीं पहुंचे। आखिर मैं जानना चाहता हूं इस भारत के नागरिक होने के नाते, उन पैसों को क्यों खाया आपने इस मोदी सरकार? वो पैसे कहां हैं मोदी जी? क्या आप उसका हिसाब नहीं देना चाहेंगे, या सिर्फ आप पैसे लेने के लिए हैं, पैसे जब सही जगह पहुंचाने के लिए नहीं है? मैं आज आपको कहना चाहता हूं, जो हश्र पुलवामा में आर्थिक मदद के नाम पे, सैनिकों को शहीदों के नाम पे लिया गया और उस पैसे का कोई फायदा उन शहीदों के परिवारों को नहीं मिला, ठीक उसी तरह से आज कोरोना जैसी महामारी के नाम पे वापस से पीएम केयर्स नाम का जो अकाउंट बना के देश से वसूली की जा रही है, उसका भी लगभग कुछ ऐसा ही हश्र होने वाला है। ये जो पीएम केयर्स फंड है, यह आगामी बिहार चुनाव, उत्तर प्रदेश चुनाव और महाराष्ट्र में सरकार गिराने के लिए आपको इस्तेमाल होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जिस तरह से पुलवामा में शहीदों के नाम पे आपने वोट मांग मांग के राजनीति की और आखिर में उन परिवारों तक आज तक वो फैसिलिटी और उनका जो लाभ है नहीं मिल पाया है। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मोदी जी कि आप इस तरह की चीजें करेंगे। एक परिवार, शहीद का परिवार किस मुसीबत में जी रहा है, उसको मदद करने के चक्कर में आपने करोड़ों रुपए जमा किया, आखिर उसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। और ये जो पीएम केयर्स का पैसा है वो भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। मैं आपको बोल सकता हूं दावे के साथ, छाती ठोक कर,
कि जब तक बाजार में ये दो कौड़ी के विधायक और सांसद बिकने के लिए तैयार हैं, तब तक भारतीय जनता पार्टी जैसे सत्ता जो इस तरह की राजनीति करते हैं ये लोग हमेशा सत्ता में रहेंगे। जब तक ये विधायक और सांसद बिकते रहेंगे, ये ऐसे ही चंदा मांग मांग कर लोगों से पैसे ले लेकर अपने विधायक खरीदेंगे, सरकारें बनाएंगे। लेकिन अब ये देश की जनता जागरूक हो चुकी है, लोग समझने लगे हैं। मैं आप पूरी तमाम जनता से कहना चाहता हूं कि अगर अब भी सोए रहें तो एक दिन यही मोदी सरकार पूरा देश बेच देगी। आज मजदूरों की जो हालत है पूरे देश के अंदर, बिहार उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बेरोजगारी है, आखिर क्यों दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है? और उसके बावजूद एक भारतीय होने के नाते हमारी भावनाओं से खेलकर आप हमारे ही आर्थिक नुकसान करने में लगे हुए हैं। ये सबूत हैं और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये सारे लोगों तक जरूर पहुंचाएं। ये देश को जानना है कि आखिर पुलवामा का जो करोड़ों अरबों रुपया जमा हुआ वो शहीदों तक क्यों नहीं पहुंचा। ये जो पीएम केयर्स है वो जिसमें जनता अपने तरफ से पैसा जमा कर रही है, उसका हिसाब आप क्यों नहीं देंगे? ये आपको देना पड़ेगा और अब इस देश में ये तानाशाही नहीं चलेगी। हम जैसे हजारों लोग हैं जो सवाल पूछेंगे, आप जो चाहे वो कर लें, इस सवाल का दायरा नहीं रुकेगा। तमाम लोगों से निवेदन है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंचाएं और जो लोग मेरे पेज पे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो कृपया मेरे पेज से जुड़े। मेरे पेज का नाम है द विनय दुबे, THE VINAY DUBE DUBEY। इस पे करीबन 94,000 के आसपास फॉलोअर्स हैं। मैं तमाम लोगों से निवेदन करूंगा इस पेज पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, ताकि हमेशा मैं जो चीजें लेके आता हूं वो देश के हर भारतीय तक पहुंचाने के लिए आपकी जिम्मेदारी है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार दोस्तों, FFAR इंडिया के सेकंड यूट्यूब चैनल यानी FFAR इंडिया ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, अभी मात्र 199 रुपये प्रति महीने पे। समय नष्ट ना करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।